जय हिंद दोस्तों, नैलेट बीएचयू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशीष आज आपके लिए लेके आया हूँ M2R5 का 22वां क्लास और जावास्क्रिप्ट का ये आपका 4था क्लास है। इस क्लास में आज आपको बताऊंगा ऑपरेटर का ये सेकंड पार्ट है। आज से मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा लॉजिकल ऑपरेटर, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो मैंने ऑपरेटर और बेसिक सारे एलिमेंट में कवर कर चुका हूँ। अगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होगा तो आप बैक का वीडियो पूरा पूरा देखें, ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन से वंचित होना ना पड़े और आपको सही तरीके से ये जावा ऑपरेटर समझ में आए, जिससे आप उसको यूज़ कर सको अपने वेबसाइट डिज़ाइन में या अपने इस ओ लेवल के क्लासेस में। लॉजिकल ऑपरेटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके इस जावा स्क्रिप्ट में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं आपको ये बता दूँ, लॉजिकल ऑपरेटर दो या दो से अधिक कंपेरिजन ऑपरेटर को कंबाइन करने के लिए यहाँ पर यूज़ में लाया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ, दो या दो से अधिक जो कंपेरिजन ऑपरेटर है या और भी जो ऑपरेटर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको यहाँ पर अगर कंबाइन करना, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ करोगे लॉजिकल ऑपरेटर। क्योंकि अगर लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का आप यहां पे लॉजिक जनरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको लॉजिक जनरेट करना हो तो वहां पे लॉजिकल ऑपरेटर की आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर से केवल आप सिंगल लॉजिक बना सकते हो, लेकिन अलग अलग लॉजिक को अगर मैं कहूं कंबाइन करना है तो कैसे आप कंबाइन करोगे? तो विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर आप कंबाइन कर सकते हो। इस प्रकार से आपका लॉजिकल ऑपरेटर तीन प्रकार के पाया जाएगा, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। आइए एक एक करके इसको देखते हैं क्या होता है और एग्जांपल के साथ समझते हैं कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला आपका है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसका मतलब आपका ये हो जाएगा, दो या दो से अधिक को अगर यहाँ पे आप कंबाइन करते हो एक्सप्रेशन को, जैसे एक्सप्रेशन कहने का मतलब यहाँ पे लॉजिक जो आप कंबाइन करते हो, जो आप यहाँ पे तैयार किए थे कंपैरिजन ऑपरेटर के जरिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में मैं यहाँ पे ये देखिए कि दो ऑपरेटर यहाँ पे आप जोड़ रहे हो। ठीक है, पहला ऑपरेटर ये हो जाएगा लॉजिक, दूसरा लॉजिक ये हो जा रहा है। मीन्स दो या दो से अधिक लॉजिकल मीन्स कंपैरिजन ऑपरेटर के जरिए आप इसको कंबाइन कर रहे हो और एक लॉजिक बना रहे हो, मीन्स एक लॉजिक यहाँ पे तैयार कर रहे हो। अब इसको कैसे यूज और कैसे चेकअप किया जाता है ये समझिएगा। अगर मैं दो एक्सप्रेशन यहां पे यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर दोनों एक्सप्रेशन हमारा ट्रू रहेगा तभी इसका रिजल्ट आपका सही माना जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इस ट्रुथ टेबल के अंतर्गत आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, पहला यहाँ पे ये लॉजिक और ये लॉजिक, अगर दोनों ये सही होता है तभी रिजल्ट इसका सही माना जाएगा। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में अगर एक भी गलत होता है तो इसका रिजल्ट क्या, फॉल्स ही माना जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट में यहाँ पे आपका रिजल्ट फॉल्स ही रहेगा। इस हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में क्या, अगर जैसे यहाँ पे 10 आपका यहाँ पे 10 और 15 का कम्बिनेशन और 5 और 10 का कम्बिनेशन है, तो यहाँ पे सबसे पहले रिजल्ट जो आपका इसका रहेगा वो क्या है, 0 है, और दूसरा रिजल्ट क्या है पे, यहाँ पे 1 है। तो इसका रिजल्ट ऑलरेडी 0 और 1 वहाँ पे मिला के आपका देखिए 0 यहाँ पे मीन्स फॉल्स यहाँ पे रिजल्ट देगा। अगला एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं 5 और 10 का कम्बिनेशन देखूँ और 10 और 6 का कम्बिनेशन यहाँ पे देखूँ, तो दोनों यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपका, दोनों कंडीशन में आपका सही है, मीन्स ट्रू यहाँ पे भी रहेगा और ट्रू यहाँ पे भी रहेगा। तो ट्रू ट्रू मिला के आपका लास्ट फाइनल डिसीजन भी आपका ट्रू ही होगा। नेक्स्ट आपका है लॉजिकल और ऑपरेटर। आपका सेम इट इज़ आपका एंड की तरह ही काम करेगा, लेकिन आपका एंड का अपोजिट यहाँ पे वर्क करेगा। अगर आप जैसा यहाँ पे देख सकते हो कि अगर यहाँ पे कोई भी एक भी एक्सप्रेशन अगर सही होता है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। जैसे यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे 0 0 एक्सप्रेशन है तो इसका ऑलरेडी रिजल्ट क्या रहेगा, 0 माना जाएगा। अगर लेकिन यहाँ पे कोई एक भी कंडीशन सही हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन 2 यहाँ पे देखिए सही है और यहाँ पे देखिए फाइनल यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन 1 देखिए, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन 1 सही है और 0 है। ठीक है, इस हिसाब से इसका कंडीशन या 1 यहाँ पे रिजल्ट सही है। अगर दोनों कंडीशन सही है तो यहाँ पे सही ऑलरेडी रहेगा ही। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो, अगर एक एग्जाम में आपका दो क्वेश्चन पूछा है, वहाँ पे और करके पूछा, दोनों में से आपका कोई एक ही करना होता है, ना कि आपको दो करना होगा। अगर दोनों कर देते तो भी आपका मार्क्स एक ही काउंट होगा, अगर एक कर देते तो भी आपका मार्क्स एक ही काउंट होगा। इस तरीके से आपका और का क्वेश्चन वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ लॉजिकल एंड का क्वेश्चन अगर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं दे दूँ, तो वहाँ पे दोनों क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, वो भी कंपलसरी है। जब तक दोनों सही नहीं होगा तब तक आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे और में आपको क्या है, केवल एक भी अगर सही हो जाता तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा। लेकिन अगर दोनों सही होता तो सबसे अच्छी बात है, तो वहाँ पे आपका डेफिनेटली रिजल्ट आपका सही मिलेगा। एग्जाम्पल में देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे अगर 10 हो गया और 15 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे देखिए
और ऑपरेटर के इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे देखिए 5 और 10 का कम्बिनेशन यहाँ पे देख रहे हो, तो दोनों रिजल्ट यहाँ पे क्या, एक यहाँ पे गलत है दूसरा यहाँ पे सही है। जैसे यहाँ पे 10 क्या है देखिए छोटा है, ठीक है 15 से, और यहाँ पे देखिए 5 क्या है बड़ा है 10 से, बिल्कुल नहीं, आपका यहाँ पे 5 जो है छोटा है 10 से। इस हिसाब से यहाँ पे देखिए ये कंडीशन आपका सही हो जाएगा और ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसलिए केवल एक ही सही है एक्सप्रेशन, फिर भी रिजल्ट हमारा क्या है सही है। दूसरे कंडीशन में देखिए यहाँ पे कि आपका 5 और 10 दोनों यहाँ पे क्या है आपका ये गलत है, और यहाँ पे देखिए 30 यहाँ पे अगला 9 और 6 यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा ये भी क्या रिजल्ट आपका गलत है, मीन्स दोनों गलत है। इस वजह से आपका क्या हो जाएगा ये रिजल्ट क्या रहेगा गलत होगा, ठीक है मीन्स रिजल्ट क्या होगा फॉल्स होगा। अगर यहीं पे मैं यहाँ पे देखिए 15 है मीन्स 5 है, अगर मैं इसको 15 कर देता हूँ ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा आप देखिए कमेंट बॉक्स में मुझे देख के बताइएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ या स्क्रीन पॉज करके आप एक बार खुद से सोच लीजिए फिर यहाँ पे देखिएगा। अगर ये 15 हो गया और 10 हो गया तो इसका रिजल्ट यहाँ पे देखिए ट्रू है, और यहाँ पे देखिए 2 और 6 है इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या है देखिए ये फॉल्स है। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रू माना जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन यहाँ पे क्या है सही है, इस वजह से इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा सही रहेगा। अगर यहाँ पे ट्रू रहता है तो यहाँ पे देखिए ट्रू ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करना होगा। अगला है आपका लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये नॉट ऑपरेटर कह सकते हो जस्ट अपोजिट आपका वर्क करता है। अगर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सही हो तो आप गलत हो जाओगे, अगर कहूँगा मैं आप गलत हो तो आप सही हो जाओगे, ठीक है इसी प्रकार से आपका ये जस्ट अपोजिट वर्क करता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन सही होगा तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, अगर एक्सप्रेशन गलत है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अगर उसका एक्सप्रेशन 0 है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा फाइनल 1 रहेगा, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, मीन्स दोनों पे ही बस ही केवल 2 पे ही काम करता है, मैं सही या गलत पे, अगर सही है तो गलत, गलत है तो सही हो जाएगा। आइए एग्जांपल पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 5 और 10 यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेगा, 5 और 10 में क्या कॉम्बिनेशन आपको ये चीज़ें मिल रहा है कि 5 आपका यहाँ पे क्या है छोटा है, तो यहाँ पे देखिए आगे नॉट मैंने लगा दिया। अभी तक यहाँ पे अगर मैं इसको ये मान लूँ यहाँ पे देखिए आपको ये पता चलेगा ये क्या है रिजल्ट इसका, यहाँ पे रिजल्ट ये मिलेगा 0, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नॉट लगने के कारण यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या हो जा रहा है ट्रू है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये मैं कहूँ देखिए दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे आपका 10 और 15 है, अभी तक यहाँ पे 10 और 15 क्या है ये 10 और 15, ये रिजल्ट यहाँ पे 0 रहेगा। और अगला देखिए यहाँ पे 5 और 10 है, ठीक है 5 और 10 है, यहाँ पे रिजल्ट क्या है सही है, मीन्स एक सही एक गलत है। तो एंड ऑपरेटर में मैंने ये बताया कि जब तक दोनों एक्सप्रेशन सही नहीं होगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा सही नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या केवल एक ही एक्सप्रेशन सही है, इस वजह से रिजल्ट क्या है सही है। अब यहाँ पे देखिए नॉट लगने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे दोनों अगर सही होता तभी ये रिजल्ट सही होता, अब यहाँ पे क्या केवल एक ही एक्सप्रेशन मीन्स 5 और 10 वाला एक्सप्रेशन ही सही है, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा फॉल्स, और आगे देखिए नॉट लगा है इस वजह से रिजल्ट क्या हो जाएगा ट्रू है। अगला एग्जांपल यहाँ पे एक और देखिए, जैसे 5 और 10 का ये कॉम्बिनेशन ले रहे थे ये रिजल्ट क्या है गलत है, 9 और 6 का ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये भी आपका पूरी तरीके से क्या है गलत है। अब दोनों रिजल्ट यहाँ पे गलत होने पे क्या रिजल्ट आपका गलत ही मिल रहा है, आगे नॉट लगा तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो नॉट आपका कुछ इस तरीके से काम किया करता है जिससे आपको गलत को सही, सही को गलत ही बना देता है। आइए एग्जांपल समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं और इसका रिजल्ट किस तरीके से देगा, मैं आपको एक एक करके यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से और कोई भी डाउट ना रह जाए। अब देखिए यहाँ पे मैं एक माना हूँ एज्यूम किया हूँ x इक्वल टू 16 और y इक्वल टू यहाँ पे 13 मान लिया हूँ मैं, एज्यूम मीन्स यहाँ पे मैं पहले से वेरिएबल मैं ले चुका हूँ, वेरिएबल कैसे बनाते हैं इसके बैक वाले वीडियो में सारा बता चुका हूँ, आपको नहीं पता होगा तो यहाँ पे आप बैक वाले वीडियो सारा जाके देख लीजिएगा जरूर से। अब यहाँ पे ये चीज़ें देखिएगा कि आप 16 और 13 यहाँ पे मैं x इक्वल टू 16 और y इक्वल टू यहाँ पे 13 माना हूँ, अब इसको यहाँ पे देखिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ ठीक है, मीन्स x और 110 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मीन्स 16 और 10 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या दिखेगा आपको देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये आप यहाँ पे समझ लीजिए पूरी तरीके से जिससे आपको कोई भी डाउट यहाँ पे ना रह जाए ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए मैं लाइन ब्रेक किया था, आप अगर चाहो तो लाइन ब्रेक कर सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं चाहो तो लाइन ब्रेक ना करो, आपका अपना ओन ओपिनियन है ठीक है। अब जैसे एग्जांपल पे देखिए यहाँ पे आपको ये पता चलेगा यहाँ पे 110 है और x इक्वल टू मैंने क्या यहाँ पे माना है, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू मैंने 16 माना है, तो 16 यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे मिलेगा ये 16 और 110
ठीक है। अब देखिए इसमें से बड़ा कौन सा है, 110 बड़ा है, मेन से कंडीशन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये कंडीशन आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रू, ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन मिलेगा, ये कंडीशन आपका देखिए ट्रू मिलेगा। अब अगला देखिए कंडीशन यहाँ पे वाई है, वाई और 51 है, मीन्स वाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे 13 है, 13 और यहाँ पे 51, दोनों में से कौन सा बड़ा है, यहाँ पे सिंबल देख लीजिए आपका कौन सा सिंबल लगा हुआ है, तो आपके यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन का सिंबल लगा है, मीन्स 13 यहाँ पे बड़ा नहीं है, तो ये भी क्या है गलत है, मीन्स ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन आपका फॉल्स होगा। मैंने यहाँ पे देखिए ब्रेक लगाए हैं, ब्रेक लगाया मीन्स लाइन को यहाँ पे मैंने ब्रेक किया है। अगला देखिए एग्जांपल मैं यहाँ पे यही यूज़ किया हूँ एक्स, एक्स यहाँ पे देखिए 16 मीन्स यहाँ पे देखिए लेस देन यहाँ पे 14 है, अब यहाँ पे लेस देन 40 है, मीन्स 40 यहाँ पे क्या है बड़ा है, ठीक है। और ऐसे मैं वाई ले लेता हूँ, वाई देखिए यहाँ पे 13 है, और यहाँ पे देखिए लेस देन यहाँ पे 1, मीन्स क्या 1 बड़ा है, बिल्कुल नहीं है, वाई हमारा क्या 13, 13 बड़ा होना चाहिए, मीन्स ये रिजल्ट क्या हो जाएगा फॉल्स, मीन्स दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या ट्रू नहीं है, इस वजह से इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा फॉल्स होगा। आइए देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, मैं दिखाता हूँ आपको इसका रिजल्ट, देखिए यहाँ पे दोनों यहाँ पे शो कर रहा है फॉल्स फॉल्स, ठीक है, मीन्स दोनों रिजल्ट यहाँ पे क्या शो कर रहा था फॉल्स, मीन्स वहाँ पे अगर दोनों एक्सप्रेशन सही होगा तभी वो रिजल्ट यहाँ पे क्या सही देगा। यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन मैंने ये भी दे चुका है, अगर दोनों एक्सप्रेशन मीन्स यहाँ पे सही होता तभी वो रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज रिटर्न करेगा क्या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, 1 का मतलब यहाँ पे ट्रू होता है। यहाँ पे और ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए जैसे मैं एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया था वहीं पे मैं यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे दिखाता हूँ और ऑपरेटर का क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे आप और ऑपरेटर इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे मैं बता चुका हूँ अभी कि केवल एक भी एक्सप्रेशन अगर सही होगा तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे सही माना जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं जैसे मैं अभी इसके पहले मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, ये देखिए हमारा कंडीशन ये वाला क्या होगा सही होगा और ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा मीन्स ये कंडीशन टोटल हमारा क्या एक ही कंडीशन सही है तो रिजल्ट इसका क्या होगा सही होगा। अगला ये देखिए x इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या लेस देन 14 दिया है, मीन्स यहाँ पे 16 और 40 का कॉम्बिनेशन दे रहा है, मीन्स कंडीशन सही है। दूसरा यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रहा है 13 और 1 का कॉम्बिनेशन, मीन्स रिजल्ट क्या है फॉल्स, मीन्स इसका रिजल्ट क्या केवल एक कंडीशन से फिर भी इसका रिजल्ट क्या है ट्रू है, मीन्स दोनों रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका दोनों रिजल्ट आपको मिलेगा ट्रू। देखिए इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, अब इसका रिजल्ट यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या शो करता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या दोनों रिजल्ट यहाँ पे क्या ट्रू शो कर रहा था। यह आपका पूरी तरीके से और ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाएगा। आइए इसी के सामने जस्ट मैं यहाँ पे ये भी इस्तेमाल कर लूँ नॉट ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो मैं यहाँ पे देखिए बस चेंजिंग ये कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट आगे मैं नॉट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए रिजल्ट में आपके अंतर यहाँ पे चला आएगा, मीन्स इसका पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये जो रिजल्ट था आपका ट्रू था, अब नॉट लगाने से क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मीन्स फॉल्स हो जाएगा। इसको देखिए मैं सेव करता हूँ और रिजल्ट यहाँ पे शो कराता हूँ, देखिए अंतर क्या नजर आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो रिजल्ट आपका क्या पहला देखिए फॉल्स हो गया, क्योंकि वहाँ पे मैं यूज़ किया हूँ नॉट ऑपरेटर। तो इसी तरीके से हमारा ये इस्तेमाल किया जाएगा लॉजिकल ऑपरेटर, अलग अलग कैसे इसको आप इस्तेमाल करते हैं आप देख सकते हो, और एक एक करके आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट या नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट के जरिए जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट है आपका बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है ऑपरेटर में, जो कि केवल बिट लेवल पर काम करता है। आप कहोगे बिट लेवल क्या होता है, बिट लेवल का मतलब ये होता है आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है बिट लेवल पर काम करना होता है। अगर जैसे कोई डेसिमल नंबर हमारा है, जैसे मान लीजिए मैं 5, 10, 14, 15, इसको मैं 0, 1 के फॉर्म में मीन्स मशीन लेवल के फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ तो ये हमारा हो जाएगा मशीन लेवल लैंग्वेज, मीन्स डेसिमल फॉर्म में हमारा यहाँ पे क्या डेसिमल फॉर्म से क्या हो जाएगा बाइनरी नंबर के फॉर्म में हो जाएगा। बाइनरी नंबर जो आपका केवल 0 या 1 के फॉर्म में ही समझता है, अब इसको चेंज करने का भी एक प्रक्रिया होता है, कैसे इसको चेंज करेंगे पहले आइए ये समझ लेते हैं कैसे उसको चेंज करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अगर आप यहाँ पे 5 का बाइनरी निकालते हो तो किस तरीके से निकालते हो, देखिए मैं आपको एक एक करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे अगर यहाँ पे देखिए मैं मान ले रहा हूँ कि 5 है, ठीक है, 5 का मैं यहाँ पे बाइनरी निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो 5 का मैं देखिए बाइनरी यहाँ पे निकालूंगा। जैसे मैं ये कह दिया यहाँ पे जब भी मैं बाइनरी निकालूंगा डेसिमल से तो यहाँ पे 2 से मैं डिवाइड करूंगा, जैसे एलसीएम निकालता ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ से 2 से डिवाइड किया कितनी बार ये जाएगा आपका 2 × 2 = 4, मीन्स यहाँ पे 2 बार जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर इसका बचेगा 1, तो 1 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अगला यहाँ पे आप एक और देखो कितनी बार जाएगा, फिर 2 × 1 = 2 मीन्स एक बार गया और रिमाइंडर कितनी बार यहाँ पे गया पूरी तरीके से कट गया, तो कट गया तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या नीचे से ऊपर की तरफ ये शो करेगा, तो यहाँ पे देखिए 1, 0 और 1,
इसका क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। किस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे, आइए देखिए, अपने उस स्लाइड पे चलते हैं जिससे आपको यहाँ पे 101 ये बाइनरी निकाला था मैं। जैसे यहाँ पे देखिए 5 का बाइनरी यहाँ पे क्या निकाला था मैं, यहाँ पे निकाला था देखिए 101। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 4 मीन्स आगे जितने मुझे फॉर्म वहाँ पे बढ़ाना है उतना मैं 0 यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। जितना मुझे अगर वहाँ पे डिजिट का मुझे चाहिए मैं आगे 0 बढ़ा सकता हूँ, लेकिन पीछे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे बढ़ाने के वहाँ पे मैं पेयर मेंटेन करने वाली बात आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए अगर मैं 1 का बाइनरी निकालूंगा तो उसका क्या बाइनरी आएगा, 1, लेकिन यहाँ पे देखिए मुझे पेयर मेंटेन करना है, इस वजह से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 000 मैं आगे लगा दे रहा हूँ, जिससे हमारा पेयर पूरी तरीके से मेंटेन हो जाएगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बिट लेवल क्या होता है, मीन्स बिट लेवल मीन्स बाइनरी लेवल पे काम करना। अब बाइनरी लेवल पे किस तरीके से काम करेंगे, तो बिट वाइज ऑपरेटर आपका यहाँ पे अलग अलग टाइप का पाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, एक्सऑर, और यहाँ पे जीरो फिल लेफ्ट साइड, और यहाँ पे साइन राइट साइड, और जीरो फिल राइट साइड, यहाँ पे मीन्स अलग अलग यहाँ पे आपका शो कर रहा है, मीन्स इसका रिजल्ट क्या शो करेगा मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, और आपको लाइव शो भी दिखाऊंगा किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ जैसे बिट वाइज एंड का। जैसे अगर 5 का मैं यहाँ पे बाइनरी निकालता हूँ तो 0101 आएगा, और अगर मैं 1 का निकालता हूँ, देखिए मैं 0001 में एज्यूम मीन्स 000 में आगे एज्यूम किया, इसका बाइनरी 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए एंड का मतलब जो मैं अभी पहले बताया था इसके बैक वाले क्लासेस में, यहाँ पे आपको जस्ट अभी मैं तुरंत बताया था कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल एंड में मैंने ये बताया था कि अगर दो एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे देखिए इसको एक्सप्रेशन है, मैं ये 1 मान लेता हूँ, ठीक है, एक्सप्रेशन ये 1 हो गया और ये एक्सप्रेशन आपका क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। दोनों एक्सप्रेशन में से अगर मैं रिजल्ट यहाँ पे अलग अलग, आपको मैंने अभी ये बताया था कि दोनों एक्सप्रेशन में से अगर कोई भी रिजल्ट यहाँ पे जब तक दोनों का दोनों यहाँ पे 1 नहीं होता तब तक उसका रिजल्ट क्या यहाँ पे 1 नहीं माना जाएगा, ठीक उसी प्रकार से ये आपका बिट लेवल पे काम करेगा और बिट लेवल पे चेक करेगा कि दोनों का रिजल्ट जब तक एक्सप्रेशन का 1 नहीं रहेगा तब तक उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 नहीं माना जाएगा। तो ये देखिए आपका 1 ये भी रहा और 1 ये भी रहा, तो मिला के आपका क्या रिजल्ट हो जाएगा, 1, ये 00 मीन्स रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए 10 इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। अगला यहाँ पे देखिए वो 00 इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, मीन्स यही 0001 यहाँ पे देखिए शो कर रहा है, यही रिजल्ट है। और इसका अगर मैं डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करने का जरिया भी अलग है। तो आइए मैं ये भी समझा दे रहा हूँ एक बार कैसे डेसिमल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे सपोज कि यहाँ पे 0001 है, अब 0000 यहाँ पे 1 का मतलब यहाँ पे देखिए अगर मैं पावर में अज्यूम करता हूँ तो कुछ इस तरीके से देखिए 000 मैं यहाँ पे ये मान ले रहा हूँ कोई यहाँ पे डिजिट है, भले ही यहाँ पे इसका कोई मतलब ना हो लेकिन ये समझ लीजिए। अब 0001 का मतलब यहाँ पे क्या, अगर मैं पावर का ज्यूम करूँ यहाँ पे, मैं इसको पावर यहाँ पे लूँ मैं, तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएगा पावर यहाँ पे क्या, ये पावर 0 होगा, पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए पावर 1, पावर 2, पावर 3, ठीक है। अब इस तरीके से इसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, अब जैसे यहाँ पे 0 × 2 × 3, अब यहाँ पे फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब अगला यहाँ पे देखेंगे 0 × 2, ठीक है, 0 × यहाँ पे देखिए मैं फिर से मिसिंग कर दिया, 0 × यहाँ पे 2 रहेगा और पावर यहाँ पे क्या रहेगा, 2 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 0 × 2 और पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अगला यहाँ पे देखिए फिर से प्लस का साइन में लगाऊंगा, अब यहाँ पे लिखूंगा 0 × 2 × 1, अगला फिर से यहाँ पे लगेगा 0, ठीक है। अब किसी के पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 1 × 1 करोगे वैल्यू 1, और ये क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, 0। अब सबको अगर मैं प्लस करूँगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपको यहाँ पे प्लस मिलेगा, टोटल रिजल्ट मिलेगा 1। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या मिला है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा रिजल्ट 1 शो कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा एंड ऑपरेटर किस तरीके से रिजल्ट यहाँ पे देता है। ठीक इसी प्रकार से आपको अगर मैं ये कहूँ कि और ऑपरेटर निकालना है तो आपका और ऑपरेटर भी बहुत, मैं और ऑपरेटर का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखिए ये समझ लीजिए एक्सप्रेशन मैं वही मानता हूँ, एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे 1 मानता हूँ, और अगला ये देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन ये आपका 2 रहेगा। तो और ऑपरेटर मैं यहाँ पे देखिए कंडीशन यही बताया था कि कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर यहाँ पे सही होगा, एक या एक से अधिक, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, उसका रिजल्ट यहाँ पे सही माना जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से आपका ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1, और ये दोनों आपका देखिए दोनों गलत है, मीन्स आपका और मैं यहाँ पे क्या, दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे सही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0,
अगला देखिए ये आपका वन और जीरो में क्या एक सही है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा वन। अगला है जीरो जीरो, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा जीरो वन जीरो, आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएगा। अब ये देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे देखिए ये शो कर दिया, यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल जा रहा है जीरो वन जीरो। अब इसका रिजल्ट कैसे फाइव आ रहा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका आपको ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, आपका बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका मैं अगर पावर अज्यूम मैं करूँगा तो पावर हमारा क्या होगा जीरो, पावर वन, पावर टू और पावर थ्री होगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे यूज़ करता हूँ यहाँ पे ये भी दिखा रहा हूँ आपको। जैसे जीरो इंटू टू पावर थ्री प्लस वन इंटू, ठीक है, वन इंटू टू पावर टू। ठीक है, अगला यहाँ पे फिर से देखिए आपको मिलेगा जीरो इंटू पावर वन, सॉरी यहाँ पे देखिए इंटू टू रहेगा पावर वन, फिर प्लस अगला यहाँ पे फिर से मिलेगा वन इंटू टू पावर जीरो। तो किसी भी संख्या के अगर पावर यहाँ पे जीरो होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन, और वन इंटू वन करोगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस। अगला यहाँ पे देखिए जीरो इंटू टू यहाँ पे मीन्स क्या, किसी पावर वन है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा टू, लेकिन मल्टीप्लाई जीरो करो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। अगला यहाँ पे देखिए दो की पावर दो मतलब क्या चार, चार गुणे एक करो क्या हो जाएगा वैल्यू आपका क्या मिलेगा चार ही मिलेगा। अगला फिर से आपको यहाँ पे देखिए मिलेगा, यहाँ पे देखिए किसी की पावर यहाँ पे क्या थ्री है उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा दो, दोनों चार, दोनों यहाँ पे क्या आठ मिला, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पे जीरो है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा जीरो। अब चार प्लस एक करोगे यहाँ पे क्या रिजल्ट आपको यहाँ पे पाँच शो कर, देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपको मैं ये चीज़ें मिलेगा, रिजल्ट आपका यहाँ पे पाँच शो कर। तो यह आपका हो जाएगा लॉजिकल यहाँ पे बिट वाइज और ऑपरेटर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे समझते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे पाँच का बाइनरी आपका देखिए मैं लिख दिया हूँ, पाँच का ये आपका बाइनरी हो जाएगा। अब इस पाँच के बाइंडिंग मीन्स नॉट का मतलब क्या, जस्ट अपोजिट यहाँ पे वर्क करना। अब अपोजिट का मतलब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा वन है तो जीरो हो जाएगा, जीरो है तो वन हो जाएगा, वन है तो जीरो, और रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा ये वन मीन्स दस दस। अब दस दस का यहाँ पे देखिए रिजल्ट शो कर रहा है, दस दस का बाइंड्री आपको यहाँ पे निकालना होगा। पावर मैं यहाँ पे लेता हूँ देखिए जीरो वन टू और ये थ्री, ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे वन इन टू यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ टू पावर क्या हो जाएगा थ्री प्लस, ठीक है, जीरो इंटू टू पावर टू, ठीक है, प्लस वन इंटू पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई टू पावर वन, अगेन यहाँ पे मिलेगा जीरो इंटू टू पावर जीरो। तो किसी के पावर जीरो उसकी वैल्यू क्या वन, मल्टीप्लाई जीरो होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, प्लस यहाँ पे आपको फिर से मिल जाएगा यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट क्या मिलेगा टू, फिर प्लस इसका रिजल्ट आपको मिलेगा क्या जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा क्या दो की पावर यहाँ पे तीन है तो इसका रिजल्ट मिलेगा आपको आठ। ठीक है, अब आठ प्लस दो मिला के क्या हो जाएगा टोटल आपको यहाँ पे दस मिल जाएगा। इसका रिजल्ट यहाँ पे देखिए नॉट का यहाँ पे दस शो कर रहा है, मीन्स इसका रिजल्ट किस प्रकार से दस आया। ऑपरेटर यहाँ पे देखिए समझते हैं एक्सोर ऑपरेटर, जिसको यहाँ पे आपका ये रूल इसका कहेगा कि अगर दो एक्सप्रेशन यहाँ पे है, जैसे एक्सप्रेशन मैं ये देखिए पाँच का मैं यहाँ पे बाइंड्री बनाया हूँ और दूसरा मैं वन का अगर बाइंड्री बनाता हूँ तो देखिए वन का बाइंड्री आपको मिलेगा ट्रिपल जीरो और वन। ठीक है, अब इसका मैं रिजल्ट कैसे निकालूंगा इस फॉर्म में, मीन्स अगर मैं एक्सोर के फॉर्म में निकालना चाहूँ कैसे निकालूंगा, तो एक्सोर का आपका ये रूल होता है कि जितने भी एक्सप्रेशन रहेंगे मीन्स अगर जब तक डिफरेंस नहीं पाया जाएगा, मीन्स अगर दो डिफरेंस अलग अलग रहेगा तो उसका रिजल्ट वहाँ पे वन मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा जीरो। मीन्स यहाँ पे देखिए आपका ये सेम है, डिफरेंस तो नहीं है, मीन्स अगर ये जीरो होता ये वन होता उसका रिजल्ट वन होता, लेकिन यहाँ पे क्या है दोनों वन है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा जीरो। अगला देखिए ये भी सेम है, इसका भी क्या हो जाएगा जीरो। अगला देखिए यहाँ पे वन है ये जीरो मीन्स डिफरेंट, इसका क्या हो जाएगा वन, और ये देखिए आपका क्या हो जाएगा जीरो जीरो मीन्स जीरो। अब इसका हम अगर मुझे कन्वर्ट करना हो बाइनरी के फॉर्म में, सॉरी डेसिमल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए आपका सेम वही रूल लगेगा। जैसे जीरो हो गया यहाँ पे इनटू क्या करेंगे टू, पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर यहाँ पे काउंट कर लीजिए जीरो वन टू और थ्री, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा थ्री प्लस वन इंटू, ठीक है, पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इंटू, यहाँ पे टू करेंगे पावर क्या हो जाएगा टू। ठीक, उसी प्रकार से फिर से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको अगला मिलेगा ये चीज़ें आप देख लीजिए यहाँ पे कि जैसे आपका जीरो हो जाएगा जीरो इंटू टू पावर क्या वन प्लस
जीरो इंटू टू पावर जीरो, तो इसका रिजल्ट जीरो, इसका भी आपका क्या मिलेगा जीरो, इसका मिलेगा आपका देखिए यहाँ पे फोर, इसका मिलेगा आपको देखिए यहाँ पे जीरो, तो टोटल मिला के आपको रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा फोर, मीन्स यहाँ पे एक्सॉर का जो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है वो फोर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपका एक्सॉर का भी क्या आ रहा है फोर आ रहा है। तो इस तरीके से आपने जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट, मीन्स अगर मुझे लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट करना है कोई भी बिट वाइज ऑपरेटर को कैसे इसको हम इस्तेमाल करेंगे, पहले ये समझ लीजिए जो आपका ये बिट वाइज ऑपरेटर है ये सॉल्व होता है आपके 32 बिट पे। 32 बिट का मतलब क्या, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपका पावर पे काम कर रहा है मीन्स बिट लेवल पे काम हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए जब भी ये इस्तेमाल किया जाएगा आप 8-8 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब कैसे पेयर बना लेंगे ये मैं आपको देखिए दिखा रहा हूँ। बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जब भी यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे देखिए आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिलेगा, जैसे अगर मैं बात करूँ ये 5, ठीक है 5 यहाँ पे आपको क्या लेफ्ट शिफ्ट करना है, लेकिन कितना शिफ्ट करना है 1 बिट शिफ्ट करना है। अगर यहाँ पे आप 2 लिखोगे तो 2 बिट शिफ्ट करोगे, 3 लिखोगे 3 बिट शिफ्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ पे जितना बिट शिफ्ट कराना होगा यहाँ पे 1 2 3 4 आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखिए ये आपका 5 में 1 बिट शिफ्ट करेगा, कैसे शिफ्ट करेगा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। 5 का बाइनरी आपका 10, ठीक है 0101 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का आपका यहाँ पे कोई बाइनरी वगैरह नहीं निकालना है क्योंकि 1 का यहाँ पे बाइनरी आपका 1 होता है, लेकिन बाइनरी पे कोई लेना देना नहीं है आपको, यहाँ पे बस 1 का मतलब 1 होता है, 1 बिट आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है। अब देखिए कैसे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब भी ये बिट आपका यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा तो आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आप पूरी का पूरा समझ लीजिए 8 ब्लॉक यहाँ पे बना लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेगा, ठीक है 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 और 8 हो गया, ठीक है टोटल मिला के आपको यहाँ पे मिल जाएगा 8। अब यहाँ पे देखिए मैं वैल्यू अगर असाइन करता हूँ तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, देखिए 1, यहाँ पे मिलेगा आपको 0, यहाँ पे मिलेगा फिर से अगेन 1, यहाँ पे 0 और बाकी सब में आपको आगे मिलेगा यहाँ पे 0। ठीक है, एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे आप होता है। अब यहाँ पे ये बोला लेफ्ट साइड से आपका क्या 1 बिट निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा राइट साइड ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा राइट साइड, ये आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो मुझे लेफ्ट साइड से कितना निकालना है 1 बिट निकालना है। जब 1 बिट यहाँ से आप निकाल देंगे ये पूरी पूरी तरीके से, अब निकाल के कहाँ ले जाएंगे, ये निकाल के आपका कहाँ जाएगा यहाँ पे मीन्स ये शिफ्ट कर देंगे किस साइड, आपके लेफ्ट साइड से निकलेगा 1 और कहाँ आ जाएगा राइट साइड आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट आपको कुछ इस तरीके से नज़र आने लगेगा। अगर यहाँ पे देखिए इसका बॉक्स आपका फिर अगर मैं अरेंज करूँ तो इसका बॉक्स आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉक्स आपका कैसे बनता है, ठीक है ये बॉक्स आपको ये चीज़ें नज़र आए यहाँ पे पूरी तरीके से ये दिखाएगा कि कैसे इसको यहाँ पे शो करते हैं। जब ये आपका बिट शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है अगला फिर आपको यह भी मिलेगा आगे जब ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका क्या यहाँ पे आ जाएगा ये वाला यहाँ पे मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका 0, फिर ये आपका देखिए 1 मिल जाएगा। ठीक है आपको कुछ ऐसा मिलता चला जाएगा और लास्ट में आपको क्या है फिर से 0 0 आपका फिल होता चला जाएगा। मीन्स अगर मैं फाइनल ये पोजीशन में यहाँ पे 0 में हटा दूँ तो 0 का क्योंकि कोई मतलब नहीं है, तो हमारा रिजल्ट क्या यहाँ पे मिलेगा आपको रिजल्ट ये मिलेगा 0 1 0 1 0 और 1 0 1 0 का मैं यहाँ पे अभी मैंने बताया था रिजल्ट क्या होगा 10, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 10 1 0 1 0 का रिजल्ट आपको मिलेगा 10। लास्ट ऑपरेटर यहाँ पे समझते हैं जीरो फिल राइट शिफ्ट, इसका मतलब आपका ये हो जाएगा राइट साइड जब भी आप यहाँ पे फिल करोगे जीरो की मात्रा में आप यहाँ पे फिल करते चले जाओगे, जो कि अगर यहाँ पे मैं ये लूँगा यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे मैं 5 का बाइनरी निकाल रहा हूँ तो 0101, अगर मैं इसको यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से राइट साइड अगर मैं केवल 0 ही फिल करूंगा और 1 यहाँ पे मैं शिफ्ट कर दूंगा तो हमारा रिजल्ट वही प्राप्त होगा और इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे 2 ही मिलेगा। मीन्स एज इट इज़ यहाँ पे आपको किस तरीके से काम करने के लिए मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे साइन राइट शिफ्ट यहाँ पे करें तो सेम उसी तरीके से आप इसको यहाँ पे करने के लिए आपको मिलेगा। ये सारे आपके बिटवाइज एंड लॉजिकल ऑपरेटर जितना भी मैं एक एक ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अगर आप चाहते हो और ज़्यादा प्रैक्टिस करना तो इसका मैं क्वेश्चन का पूरा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके यहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको ये प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगा और इजी वे में आप सारा ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ऑपरेटर यहाँ पे समझते हैं साइन राइट शिफ्ट। मीन्स अगर मुझे राइट साइड यहाँ पे शिफ्ट करना है सेम एज इट इज़ यहाँ पे जैसे लेफ्ट साइड
यहाँ पे शिफ्ट की हो वैसे आपका क्या हो जाएगा, राइट साइड यहाँ पे शिफ्ट होगा। देखिए कैसे शिफ्ट होगा, मैं एक एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मैं 5 का एग्जांपल लेता हूँ, अब यहाँ पे 5 को यहाँ पे मैं देखिए 5 का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं देखिए राइट साइड में शिफ्ट करना चाह रहा हूँ क्या 1। अब 1 कैसे मैं शिफ्ट करूंगा, ये देखिए जैसे मैं इसको अरेंज कर लेती हूं आपका क्या हो जाएगा राइट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड। अब मैं ये चाहता हूं कि राइट साइड से ये निकाल दूं, मैं इसको निकाल दूंगा तो हमारा क्या पूरी तरीके से 1 जो रहेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका जो आपका ये फॉर्म करेगा किस तरीके से आपका देखिए ये फॉर्म करता है आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको ये चीज़ें मिलेगा। जितना भी एक एक पोजिशन रहेगा वो क्या हो जाएगा राइट साइड यहाँ पे क्या शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये देखिए आपको ये मिलेगा क्या यहाँ पे 0। ठीक है, ये आगे हो जाएगा, अब ये आगे होगा तो यहाँ पे मिलेगा 1। ठीक है, फिर ये आपको मिलेगा इस प्रकार से, देखिए बाकी सब में क्या रहेगा आपको 0 0 ही रहेगा। आप ऐसा ये मत सोचिएगा कि जो यहाँ पे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से यहाँ पे जो मैं निकाला हूँ ये पूरी तरीके से आपका यहाँ पे पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मीन्स जो आपका यहाँ पे जो पीछे से यहाँ से फिल हो रहा है वो क्या होगा 0 ही बस केवल फिल होगा, ना कि केवल 1 फिल होगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हो। अब देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे अगर मैं ये 0 0 यहाँ पे मैं कट कर दूँ तो इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा केवल 10। ठीक है, मीन्स 1 0 1 0 का आपका बाइंड्री हो जाएगा 2। ठीक है, 1 0 का यहाँ पे बाइंड्री आपको मैं निकालना बताया हूँ कैसे, यहाँ पे बाइंड्री से डेसिमल कैसे निकालेंगे। तो 1 0 का यहाँ पे बाइंड्री से डेसिमल आपका क्या रिजल्ट मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। आइए एक एक एग्जांपल समझते हैं कैसे बिट वाइज ऑपरेटर को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। जैसे पहला यहाँ पे मैं आपको देखिए बताया था 5 और 1 का यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर का क्या रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा, वो भी चीज़ें मैं यहाँ पे देखिए कैसे इस्तेमाल किया हूँ। यहाँ पे मैं स्क्रिप्टिंग टैग के अंतर्गत यहाँ पे मैं इसको यूज़ किया हूँ और कैसे मैं इसको इस्तेमाल करूँगा ये मैं प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे बताया था इसका फॉर्मेट कैसा होगा। यहाँ पे मैं देखिए आपको ये बता रहा हूँ कैसे बिट वाइज ऑपरेटर इसको यूज़ करेंगे। तो 5 and 1 का मैं बिट वाइज ऑपरेटर मैं यहाँ पे बिट वाइज एंड इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखिए इसको मैं सेव करता हूं और इसका मैं रिजल्ट निकालता हूं किस तरीके से मैं इसको इस्तेमाल करता हूं। तो ये देखिए इसका रिजल्ट मैं यहां पे शो करा रहा हूं, इसका रिजल्ट आपको यहां पे मिल जाएगा कि बिट वाइज एंड ऑपरेटर का क्या रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे चार्ट में मैंने बताया था बिट वाइज एंड ऑपरेटर का यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा इसका 1। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो मैं यहाँ पे आपको ये पीपीटी के जरिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपका बिट वाइज ऑपरेटर जैसे देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे 1 मिल रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से मैं देखिए अगर मैं और का यहाँ पे इस्तेमाल करूँ तो और का क्या रिजल्ट देता है ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखिए और ऑपरेटर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, और ऑपरेटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखिए इसको आपको ये चीज़ें देखने के मिलेगा कि और ऑपरेटर का क्या रिजल्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो और ऑपरेटर देखिए यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे बिट वाइज नॉट ऑपरेटर, जैसे आपको ये पता होगा बिट वाइज नॉट ऑपरेटर का 5 का अगर मैं रिजल्ट निकालूंगा तो 10 आ जाएगा। लेकिन कुछ अपवाद यहाँ पे, ये चीज़ें आप यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अपवाद क्या, ये चीज़ें आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं अगर मैं ये ले रहा हूँ कि आपका 32 बिट में मीन्स जावास्क्रिप्ट का जो आपका बिट वाइज ऑपरेटर है वो 32 बिट पे सॉल्व होगा, इस वजह से जो इसका अगर मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल देखता हूँ रिजल्ट यहाँ पे 10 नहीं देगा, 10 नहीं देके यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या देगा -6 देगा, जो कि एक पूरी तरीके से इक्विवेलेंट होता है यहाँ पे 5 के। मीन्स अगर नॉट मैं निकालता हूँ बिट वाइज ऑपरेटर कैसे इसको इस्तेमाल में करूँगा। अब देखिए एग्जांपल में मैं इसको समझता हूँ कैसे इसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। अब इसको एग्जांपल में जैसे ये देखिए हमारा मैं बिट वाइज ऑपरेटर मैं यहाँ पे 5 इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका रिजल्ट यहाँ पे 10 आके -6 आएगा। क्यों आएगा, इसका रीज़न मैं यहाँ पे देखिए ये पूरी तरीके से ये रीज़न मैं आपको ये दिखाया हूँ, आप इसको प्रॉपर तरीके से देख लीजिए इसमें क्या है, क्योंकि आपका ये 32 बिट पे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 4 बिट अनसाइंड, मीन्स यहाँ पे अनसाइंड के मतलब हो जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, इस वजह से 10 नहीं आ रहा है, ठीक है। 10 आएगा भी नहीं क्योंकि आपका जावास्क्रिप्ट है ये 32 बिट पे सॉल्व होगा, लेकिन सॉल्व करने का तरीका आपका वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट में आ जाओगे तो ये आपका पूरी तरीके से 32 बिट पे सॉल्व होगा। तो कैसे सॉल्व होगा, यही आपका अपोजिट तरीका रहेगा। अब यहाँ पे अपोजिट पे लोगे तो आपका -6 आना ही ये फिक्स है। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या रहेगा, जैसे -6 का मैं निकाल रहा हूँ तो इसका यहाँ पे कैसे -6 यहाँ पे आएगा, ये देखिए 5 का आ रहा है, इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ -6 कैसे रहेगा। तो ये रिजल्ट आपको देखिए यहाँ पे -6 दिख रहा है, ये रीजन आपका रहेगा यहाँ पे नॉट का यूज करते हुए। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे XOR अगर मैं सॉल्व करता हूँ 5 XOR 1 यहाँ पे लिखोगे तो इसका रिजल्ट यहाँ पे देखिए शो करेगा प्रॉपर तरीके से आपका, जैसे ये मैं बताया हूँ आपका 4, ये आपका हो जाएगा XOR का,
नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट करा रहा हूँ यहाँ पे 1, इसका रिजल्ट आपको किस तरीके से शो करेगा ये भी चीज़ आप यहाँ पे देखिए, इसका आउटपुट आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इसका रिजल्ट यहाँ पे कैसे दिखेगा। तो इसका रिजल्ट यहाँ पे देखिए आपका दिखा 10, कैसे रिजल्ट आया ये मैं अभी बता चुका हूँ। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो राइट शिफ्ट, कैसे इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे यूज़ करोगे, सेम एज इट इज़ यहाँ पे जैसे इस्तेमाल करते आए हो वही चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे देखिए आप क्या राइट शिफ्ट कर रहे थे, इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे नज़र जरूर आएगा, कैसा रिजल्ट इसका होगा आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका रिजल्ट यहाँ पे टू शो कर रहा है। लेकिन अगर यही सेम चीज़ें यहाँ पे आपको अंतर यहाँ पे अगर नज़र आएगा, मीन्स अगला जो आप यहाँ पे ये इस्तेमाल करोगे कि 0 fill right shift, तो इसका रिजल्ट आपको देखिए मे बी यहाँ पे 2 ही नज़र आएगा। कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट के जरिए आप यहाँ पे देख सकते हो कैसा इसका रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे एक और यूज़ कर दिया, अब इसका रिजल्ट मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए रिजल्ट मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ कैसे इसका रिजल्ट यहाँ पे शो करता है। तो इसका रिजल्ट देखिए ये भी रिजल्ट इसका 2 ही शो कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑपरेटर आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग मैंने ये बताया था कि अगर यहाँ पे डबल कोट में कोई भी करेक्टर लिख दिया जाएगा तो वो एक स्ट्रिंग कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक करेक्टर की बात करूँगा तो एक करेक्टर अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो सिंगल करेक्टर के फॉर्म में लिखूँगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिंगल ए लिख दिया यहाँ पे देखिए ये आपका एक करेक्टर के फॉर्म में रहेगा। मीन्स अगर मैं एक करेक्टर यहाँ पे लिखना चाहूँ, देखिए ए में जो यहाँ पे लिखा हूँ ये करेक्टर है, लेकिन अगर इसको मैं कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर में करूँगा तो एक हमारा ये स्ट्रिंग कहलाएगा। अब अलग अलग स्ट्रिंग चाहे वो नंबर हो जाए, अगर मैं डबल कोट के फॉर्म में लिख दूंगा तो वो हमारा एक स्ट्रिंग कहलाएगा। तो कैसे हम स्ट्रिंग पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मीन्स अगर दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना हो तो मैं कैसे जोड़ूंगा। मीन्स अगर मैं यहाँ पे देखिए दो स्ट्रिंग, मीन्स अगर मैं डबल कोट में 1 लिख दिया, ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं अगर प्लस का साइन इस्तेमाल कर रहा हूँ और अगेन मैं डबल कोट में 2 लिख दिया तो इसका मैं रिजल्ट क्या आएगा, आप सोच रहे होंगे इसका रिजल्ट आपका 3 आएगा, लेकिन इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 12, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको जोड़ नहीं रहा, ये एज इट इज़ ये कंबाइन कर दे रहा है, मीन्स 1 + 2 कर दे रहा है, मिला के आपका ये क्या 12 बन जा रहा है। मीन्स आपका ये एडिशन नहीं कर रहा है, मैं जोड़ दे रहा है, मीन्स कंकैटिनेट कर रहा है, मीन्स ज्वाइन कर दे रहा है। आइए इसको एग्जाम्पल तरीके से समझते हैं कैसे इसका रिजल्ट या कैसे शो कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर मैं जो स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ या मैं स्ट्रिंग को मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, जैसे मैं पहला वेरिएबल मैंने ले लिया यहाँ पर T1 में मैंने देखिए स्ट्रिंग मैंने कंबाइन कर दिया, यहाँ पे मैं T1 में लिखना चाह रहा हूँ आशीष और T2 में लिख दिया यहाँ पे मौर्या। अब इन दोनों को मैं अगर ज्वाइन करना चाहता हूँ मुझे दिखेगा पूरा एक ही लाइन में आशीष मौर्या। अब कैसे मैं इसको कंबाइन करूँगा ये देखिए यहाँ पे text1, ठीक है, और यहाँ पे text2, मीन्स यहाँ पे देखिए मैं T1 लिया हूँ तो मैं यहाँ पे T1 ही कर देता हूँ, टेक्स्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे T1 ही कर देता हूँ। अगला देखें यहाँ पे T2 मैं कर देता हूँ, इसको मैं दोनों को ज्वाइन करता हूँ, बीच में मैं थोड़ा सा स्पेस मैं दे रहा हूँ, अगर स्पेस नहीं दूंगा तो मुझे बीच में थोड़ा सा स्पेस या गैप नहीं मिलेगा। देखिए इसका रिजल्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे इसका रिजल्ट आपको मिलता है, यहाँ से मैं सेव करता हूँ तो ये देखिए इसका रिजल्ट आपको यहाँ से ये चीज़ें मिलेगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ पूरा, तो इसका रिजल्ट में देखिए आपको यहाँ पे अंतर मिल जाएगा, रिजल्ट इसका क्या और कैसे शो कर रहा है, मीन्स रिजल्ट यहाँ पे देखिए आशीष मौर्य यहाँ पे शो कर गया। ये आपका हो जाएगा कैनकैटिनेट, मीन्स अगर मुझे 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग को यहाँ पे कंबाइन करना हुआ तो मैं प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ सकता हूँ। इस ऑपरेटर से रिलेटेड सारा का सारा जितना मैं एक्सरसाइज है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप एक्सरसाइज डाउनलोड करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए मुझे संपर्क कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई पूरी तरीके से कोशिश करूँगा देने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।